सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीजी सिनेमैटिक आइडियाज़। और आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में मैं शूट करने वाला हूँ सिनेमैटिक बी रोल DSLR कैमरे के साथ। और आज की शूट में मेरा साथ देंगे कृष्णा, जिन्होंने पहले भी एक सिनेमैटिक वीडियो में शूट करा था, काफ़ी अच्छा शूट रहा था इनके साथ। तो आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीट डिटेल देने वाला हूँ कि सिनेमैटिक बी रोल एक्चुअली बी रोल होता क्या है, ठीक है, इसको किस तरीके से शूट कर सकते हैं, कैमरा मूवमेंट्स, कैमरा सेटिंग, सब कुछ। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, चलिए इस वीडियो करते हैं स्टार्ट। सो फाइनली अब बात करते हैं कि सिनेमैटिक बी रोल एक्चुअली में होता क्या है, ठीक है। अब जैसा कि ए रोल और बी रोल में डिफरेंस होता है, अब लाइक ही जैसा कि आप मुझे देख रहे हैं, ये जो वीडियो है ये ए रोल पे शूट हो रही है, मींस कि ये वीडियो को हम कह सकते हैं ए रोल है, मींस कि ये मेन वीडियो होगी हमारी, ठीक है। अगर मैं आपको कुछ बीच में क्लिप्स दिखाता हूँ, ऐड करता हूँ, तो हमारा बी रोल हो जाता है, मींस कि हमारी सिनेमैटिक वीडियो के अंदर थोड़ी सी क्रिएटिविटी ऐड करने के लिए कि हमारी वीडियोज़ बोरिंग ना लगे, तो हम उसको लुक देते हैं कि वो थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगे, और हम उसको यूज़ करते हैं एज अ सिनेमैटिक बी रोल की तरह, ठीक है, जिसमें हम मूवमेंट्स लेते हैं, क्रिएटिव शॉट्स लेते हैं, और जो हमारा व्यूअर होता है उसको वो वीडियो बोरिंग नहीं लगती, ठीक है। तो सिनेमैटिक बी रोल का मतलब यही होता है कि हम अपनी वीडियोज़ के अंदर क्रिएटिविटी ऐड कर पाएँ कुछ मूवमेंट्स के साथ, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि हमने उसको शूट कैसे करना है, ठीक है। जब भी आपने सिनेमैटिक बी रोल वीडियो को शूट करना है, आपने बिल्कुल फ्री स्टाइल शूट करना है, किसी को कॉपी नहीं करना, ठीक है। जस्ट आपका जो भी खुद का एक स्टाइल होगा उसको आप किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। अब आपके ऊपर है कि आपकी थीम क्या है, ठीक है। आपका म्यूजिक और आपकी वीडियो मैच होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आपका म्यूजिक कुछ और है और वीडियो कुछ और है, ठीक है। पहले आप म्यूजिक प्ले करो, म्यूजिक को देखो कि यार म्यूजिक किस लेवल का है, उसके अकॉर्डिंग वीडियो को मैच करो, ठीक है। और आपका जो मॉडल है वो थीम के साथ मैच भी होना चाहिए, ठीक है। ये बात होगी कुछ बेसिक चीज़ों की। उसके बाद जो ट्रांजिशंस होती हैं सिनेमैटिक बी रोल के अंदर, वो भी हमने बिल्कुल मिनिमम यूज़ करनी है। ऐसा नहीं कि धाड़ धाड़ करके हम ट्रांजिशंस लगाई जा रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा, ऐसा लगेगा जान के इफेक्ट यूज़ किए हैं वीडियो में, ठीक है। तो ये चीज़ें मैं आपको कुछ बता रहा हूँ। उसके बाद आपने करना है स्पीड रैंपिंग। अभी मैं आपको जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, अभी मैं शूट करके आपको बताऊंगा अभी, ठीक है। तो स्पीड रैंपिंग में आप कुछ पार्ट्स को स्लो कर सकते हैं, कुछ पार्ट को फास्ट कर सकते हैं, कि आपने एक ही चीज़ पे फोकस नहीं रखना कि आपका जो सब्जेक्ट है एक ही जगह पे आपकी वीडियो चली जा रही है। तो आपने हर एक क्लिप को, हर एक मूवमेंट को अलग अलग डायरेक्शन से कैप्चर करना है। तो चलिए सबसे पहले मैं एक मूवमेंट लेता हूँ यहाँ पर, तो कृष्णा अब जाएगी वहाँ पर, ठीक है, तुम जाना वहाँ पर लाइक थोड़ा सा पीछे, हाँ तुम जा सकते हो उधर। तो कृष्णा लाइक की जैसे कि आप देख रहे हैं वहाँ पे जा रही है, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पे कुछ ट्रीज़ हैं, ठीक है। अब मैं अपना ट्राइपॉड थोड़ा सा इस साइड करता हूँ, तो आपको यहाँ पे कुछ ट्रीज़ दिख रहे हैं, ठीक है। अब इन ट्रीज़ की मदद से मैं क्रिएटिव मूवमेंट को लूँगा। अब आपने यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करनी है, जब भी आपने सिनेमैटिक बीरोल वीडियो को शूट करना है, तो आपका कैमरा मूवमेंट बिल्कुल स्टिल नहीं होना चाहिए। आपका मॉडल, ठीक है, जो भी आपका मॉडल है और आपका कैमरा है, बिल्कुल मूवमेंट में होना चाहिए। अब लाइक ही जैसा कि मैं अपने कैमरे को ऑन करता हूँ, और जो मेरी आज की कैमरा सेटिंग्स हैं, मैंने मैनुअल मोड को यूज़ करा हुआ है, ISO मेरा 100 पे है, शटर स्पीड मेरी है 1/200, और जो मेरा अपर्चर होगा वो कांस्टेंट नहीं रहेगा, बिकॉज मैं कुछ जगहों पे इस किट लेंस का यूज़ करूँगा, वाइड एंगल लेंस का, और मैं कुछ शॉट्स में यूज़ करूँगा 50mm 1.8, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर आता हूँ, ठीक है, लाइक कुछ इस डायरेक्शन में, तो जब मैं बोलूँगा कृष्णा चल के आना, तो चल के आना, ठीक है। तो आपने अब एक चीज़ नोटिस करनी है, जब इसको इस मूव को मैं लूँगा, तो आप स्क्रीन पर देखना अभी, ठीक है। ओके कृष्णा रेडी, ओके स्टार्ट, ओके फैंटास्टिक। तो अभी आप जो एक क्लिप देख रहे हैं, ठीक है, ये क्रिएटिव इसलिए लग रहा है कि हमने अपने कैमरा को और अपने मॉडल को मूवमेंट में रखा, ठीक है। सो मैंने लोकेशन को चेंज कर दिया, अब जैसा कि जो मॉडल है हमारा, ठीक है, वो यहाँ पे होगा। अब आपने एक चीज़ और नोटिस की होगी कि मैं एक ही लोकेशन पे अलग अलग डायरेक्शन से अलग अलग सीन को लूँगा, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि हम जस्ट एक ही लोकेशन पे खड़े हैं और जस्ट एक ही सीन को ले जा रहे हैं, ठीक है। अब एक और आपको बोनस टिप देना चाहता हूँ, जब भी आपने सिनेमैटिक बीरोल वीडियो को शूट करना है, तो मोस्टली आपने लो एंगल व्यू भी लेना है, ठीक है। अगर आपके पास कोई भी इक्विपमेंट नहीं है, तो अगर आप नीचे से अपने मॉडल को, ठीक है, कुछ इस डायरेक्शन से शूट करेंगे, तो आपका जो मूवमेंट आएगा बहुत ही क्रिएटिव आएगा, ठीक है, बिल्कुल एक कर्व स्लाइडर की तरह आपका मूवमेंट आएगा, ठीक है। सो इस शूट में मैं यूज़ कर रहा हूँ सोनी अल्फा A6000 कैमरे का, और इस कैमरे में कमाल का फीचर है जो है 60fps, मीन्स कि 60fps पे आप वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं 1080p में, मीन्स कि फुल HD में। अब उसकी वजह से क्या होगा कि अगर आप उसको स्लो डाउन करते हैं प्रीमियर प्रो के अंदर जाके, तो आपको कमाल का मतलब कि स्लो मोशन देखने को मिलेगा। अब आपने कुछ पार्ट्स को स्लो मोशन में रखना है, कुछ को नॉर्मल, कुछ को फास्ट में कर देना है, कि आपकी वीडियो, अगर आपका सिनेमैटिक टीजर है, किसी भी तरह की वीडियो है, तो आपकी वीडियो बोरिंग ना लगे, ठीक है। अब मैं अलग अलग डायरेक्शन पर जाके वीडियो को शूट करूँगा, क्लिप्स लूँगा अलग अलग डायरेक्शन से, और आपको मर्ज करके दिखाता हूँ कि कैसी हमें सिनेमैटिक वीडियो देखने को मिलती है, जिसे हम कहते हैं सिनेमैटिक बी रोल।
सो उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो में मैंने आपको भी बताया कि आप अपने DSLR कैमरा के साथ सिनेमैटिक बीरोल को किस तरीके से शूट कर सकते हैं। तो होप आपको वीडियो अच्छी लगी, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं जल्दी मिलूंगा एक्सपर्ट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।